इंद्रा एकादशी व्रत की कथा। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगविद्यानुगम्यं वंदेह विष्णु भवभयहरं सर्वलोकेकनाथं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गोविंदाय नमः। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, अब आप कृपा कर अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा कहिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसका व्रत करने से कौन सा फल मिलता है, कृपा कर विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे धनुर्धर, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंद्रा है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे अर्जुन, इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही मनुष्य को अनंत फल की प्राप्ति होती है। मैं यह कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। सतयुग में महिष्मति नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से पूर्ण था। उसके शत्रु सदैव उससे भयभीत रहते थे। एक दिन राजा अपनी राजसभा में सुखपूर्वक बैठा था, तभी महर्षि नारद वहां आए। नारद जी को देखकर राजा आसन से उठा, प्रणाम करके उन्हें आदर सहित आसन दिया। तब महर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल से तो है, मैं आपकी धर्म परायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजा ने कहा, हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है तथा आपकी कृपा से मेरे सभी यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए। हे महर्षि, अब आप कृपा कर यह बताएं कि आपका यहाँ आगमन किस प्रयोजन से हुआ है, मैं आपकी क्या सेवा करूँ। महर्षि नारद ने कहा, हे नपोत्तम, मुझे एक महान विस्मय हो रहा है कि एक बार जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था, तब मैंने यमराज की सभा में तुम्हारे पिता को बैठे देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा थे, मगर एकादशी के व्रत के बिगड़ जाने के कारण यमलोक को गए हैं। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या संदेश है महर्षि, कृपा कर यथाशीघ्र कहिए। राजन, तुम्हारे पिता ने कहा है कि महर्षि, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन, जो कि महेश्वरी नगरी का राजा है, के पास जाकर एक संदेश देने की कृपा करें कि मेरे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण ही मुझे यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करे और उस व्रत के फल को मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाए, मैं भी इस लोक से छूटकर स्वर्ग लोक में वास करूं। इंद्रसेन को अपने पिता के यमलोक में पड़े होने की बात सुनकर महान दुख हुआ और उसने नारद जी से कहा, हे नारद जी, या तो बड़े दुख का समाचार है कि मेरे पिता यमलोक में पड़े हैं, मैं उनकी मुक्ति का उपाय अवश्य करूंगा। आप मुझे इंद्रा एकादशी व्रत का विधान बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे राजन, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा पूर्वक स्नान करना चाहिए। इसके उपरांत दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों को श्राद्ध करें। उस दिन एक समय भोजन करें, रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि के उपरांत भक्तिपूर्वक व्रत का धारण करें और यह संकल्प करें कि आज मैं निराहार रहूंगा और सभी भोगों का त्याग कर दूंगा। इसके उपरांत अगले दिन भोजन करूंगा। हे ईश्वर, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे उपवास को संपूर्ण कराइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम जी की प्रतिमा को स्थापित करें और ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं तथा दक्षिणा दें। भोजन का कुछ हिस्सा गाय को अवश्य दें और भगवान विष्णु का धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करें। रात्रि में जागरण करें। उसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन रहकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजन,
यह इंद्रा एकादशी के व्रत की विधि है। यदि तुम आलस्य त्याग कर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे। नारद जी राजा को सब विधान समझाकर आलोप हो गए। राजा ने इंद्रा एकादशी के आने पर उसका विधान पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधवों सहित इस व्रत के करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा के पिता यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्ग को चले गए। इस एकादशी के प्रभाव से राजा इंद्रसेन भी इस लोक में सुख भोगकर अंत में स्वर्गलोक को गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे सखा, यह मैंने तुम्हारे सामने इंद्रा एकादशी के महात्म्य का वर्णन किया है। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से भी सभी पापों का समन होता है और अंत में मनुष्य स्वर्गलोक का अधिकारी बनता है। भक्तों, इंद्रा एकादशी के शुभ अवसर पर आइए श्रवण करते हैं अत्रि मुनि द्वारा रचित रामायण के अरण्यकांड में श्री राम की स्तुति। नमामि भक्तवत्सलं कृपालु शील कोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां सदा मदम् निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम प्रफुल्ल कंज लोचनम मदादि दोष मोचनम प्रलंब बाहु विक्रमम प्रभु प्रमेय वैभवम निसंग चाप सायकम धरति लोक नायकम दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम मुनींद संत रंजनम सुरारि वृंद भंजनम मनोज वैरी वंदितम आजादी देव सेवितम विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम नमामि इंद्रापतिम सुखाकरम सताम गतिम भजे से शक्ति सानुजम सची प्रति प्रियानुजम त्वदिग्न मूल ये नरा भजन्ति हीन मत्सरा पतन्ति नो भवार्वे वितर्क वीच संकुले विवक्ति वासिना सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इन्द्रियादिकम् प्रयान्ति ते गतिं स्वकम् त्वमेकमद्भुतं प्रभु निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं स्वभक्तकल्पपादपं संसुसेव्यमनवम् अनूपरूपभूपति न तोहमुर्विजापति प्रसीद मे नमामि ते पदाम्बज भक्ति देहि मे पठन्ति ये स्वदम् इदम् नरादरेण ते पदम् व्रजन्ति नात्र सस्यम् त्वदीय भक्ति संयुक्ता। जय श्री राम, जय मां एकादशी की।